जो श्रमिक आए हैं, जो गरीब हैं, जो कष्ट सह क्या है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी देख लेते ग्राउंड पर क्या स्थिति है, अपने पार्टी के एमएलए से जाकर पूछे, अपने पार्टी के एमएलए से लाइव देखे वहाँ की स्थिति क्या है, क्वारंटाइन सेंटर का कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, जो सरकार का मापदंड है कुछ नहीं मिल रहा है। इस पे फोकस नहीं है, तेजस्वी यादव निकल रहे, इस पे फोकस है। जो श्रमिक आए हैं, जो गरीब हैं, जो कष्ट सह क्या है, उस पे माननीय मुख्यमंत्री को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अपने पदाधिकारियों की बात सुनकर के वो सोचते हैं कि मैं जिला में बात कर लिया, 10 सेंटर को देख लिया, 10 सेंटर को देखने का मतलब क्या है, वहाँ पे खाना मिल रहा है? किसी भी गरीब को जल्दी खाना नहीं मिल रहा है। हम लोग भी अपने सेंटर पे घूमते हैं, पूरी स्थिति वहाँ का बर्बाद हो चुका है। अब इस पे बात करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। तो उनका ये घेर के गली महीना पार हो देख ये समझ ली हो, जितना तबाह कैले बड़े लोग जान मार दो या वही में बंद करो, वो काम मत करो लोग। हो भैया अपने कही थी आप लोग के प्रणाम। तो आप देख सकते किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ जो है वो भिड़ने की नौबत आ चुकी है, और यहाँ पर एक तरह से जो तेजस्वी यादव की जो गाड़ी को रोका गया है उसको लेकर काफ़ी आक्रोशित हो चुके हैं लोग यहाँ, और बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं रैपिड टेक्स टास्क फोर्स के और पुलिस जवान जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जो कि बैरिकेडिंग किए हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं अपनी जगह पर, और गाड़ी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से खींचतानी भी शुरू हो चुकी है समर्थक और पुलिस के बीच में। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत लाइव पर, आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस और जो समर्थक है उनके बीच में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों के बीच में एक घमासान सा छिड़ गया है बैरिकेडिंग को हटाने के लिए, और साथ ही जिस तरह से जो आज तेजस्वी यादव है वो अपनी पूरी दल बल के साथ आज निकलने वाले थे गोपालगंज के लिए, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है इस वक्त राबड़ी आवास के बाहर। राबड़ी देवी का जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर रोक दिया गया है, उसको लेकर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग आगे लगा दी गई है, और उसके ऊपर समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं, और नीतीश कुमार के खिलाफ में नारेबाजी शुरू हो चुकी है। इस गाड़ी में जो गाड़ी आप सामने देख रहे हैं इसमें तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी इसमें आगे बैठी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सियासी गर्मी है वो एक बार फिर से बिहार में शुरू हो गई है इस कोरोना संकट के बीच। अपने आप वाला को लेकर बोलेगा।